वेलकम टू बी टू नेट को चैनल गाइस, आज के सेशन में हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर पे, राइट। सो दिस इज़ द सिनेरियो, मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। तो हम इस राउटर पे डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, दैट इज़ कनेक्टेड टू अ स्विच, और स्विच से हमारे पीसीज कनेक्टेड है। हमारे सिनेरियो में मैंने तीन पीसीज लिए हैं, PC1, PC2, PC3। सबसे पहले हम DHCP सर्वर पे DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और नेटवर्क यूज़ करेंगे। क्लास है नेटवर्क 10.0.0/8 क्लास फुल, राइट। और उसमें से जो एक्सक्लूड करेंगे आईपी एड्रेसेस, दे विल बी 10.0.0.1 से लेकर 10.0.0.5। और डिफ़ॉल्ट राउटर रहेगा सभी मशीन्स के लिए, पीसीज के लिए, DHCP सर्वर राउटर, और DNS सर्वर भी यही रहेगा, राइट। तो चलिए DHCP सर्वर पे चलते हैं। लेट्स सिलेक्ट नो। सबसे पहले मैं आपको इंटरफेसेस दिखा देता हूँ। नो आईपी एड्रेस इज गिवन, सो लेट्स गिव आईपी एड्रेस। इसको आईपी एड्रेस हम दे देंगे 10.0.0.1/8 नेटवर्क, राइट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0.10.0.1.25 नो शट। एंड चलिए अभी डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आईपी डीएससीपी कमांड से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक पूल बनाएंगे, पूल, और पूल का नाम देते हैं पूल 1, राइट। और उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल है। तो चलिए डोमेन नेम दे देते हैं हम cisco.com। इधर मैं डोमेन नेम नोट कर लेता हूँ। इसको .com डोमेन हम यूज करेंगे गाइस। डोमेन नेम cisco.com, और हमारा डिफॉल्ट राउटर रहेगा, इधर हम आईपी एड्रेस दे देंगे राउटर का, दैट विल बी 10.0.0.1 एंटर, राइट। तो उसके बाद हमारा डीएनएस सर्वर रहेगा सेम 10.0.0.1। तो डिफ़ॉल्ट राउटर हो गया, डोमेन नेम हो गया, डीएनएस सर्वर हो गया। तो जो नेटवर्क होगा हमारा, नेटवर्क होगा 10.0.0.0, और उसका उसके बाद मास यूज़ करेंगे 2550.0.0, राइट। तो उसके बाद हम इससे बाहर आ जाते हैं और हम कर देते हैं आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। हमें कौन कौन से एड्रेस दैट शुड नॉट बी असाइन टू पीसीज, राइट। तो एक तो हम 10.0.0.1 वाला एक्सक्लूड कर लेंगे, और तीन चार एड्रेस और एक्सक्लूड कर लेते हैं, सो दैट इन केस वी हैव टू ऐड एनी सर्वर इन द एनवायरनमेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लो आईपी एड्रेस देना पड़ेगा 10.0.0.1 से लेकर हाई आईपी एड्रेस 10.0.0.5 कर लेते हैं गाइस। तो ये पांच आईपी एड्रेस ये राउटर नहीं असाइन करेगा, एंड रेस्ट विल बी असाइंड। तो सबसे पहले राइट कर लेते हैं शो रन सेक्शन डीएससीपी। अभी देख लेते हैं क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई। आईपी डीएससीपी पूल 1 हमने क्रिएट किया, जो कि जो नेटवर्क हैंडल करेगा 10.0.0.0, एंड डिफॉल्ट राउटर विल बी 0.0.1, डीएनएस सर्वर विल आल्सो बी सेम, डोमेन नेम विल बी cisco.com। तो चलिए हम अभी चलते हैं पीसीज पे, और इस इधर जाके हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं डीएचसीपी, राइट। सो नाउ इट इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर आईपी, एंड डीएचसीपी रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, सो दिस गॉट 10.0.0.6 आईपी। तो चलिए दूसरे पे चलते हैं, और यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी सेलेक्ट करते हैं, एंड दिस गॉट 7, राइट। तो हम गाइज हमारे 1 से लेके 5 तक
excluded थे, तो इसने 6 से start करी IP configuration. तो let's go to third and select here as DHCP requesting IP address. Now it got 10.0.0.8. तो चलिए तीनों IP address हो गए configure. तो इधर जाके हम करते show IP DHCP binding, right? तो binding में हमें तीनों IP address मिल जाएंगे और ये उनके MAC addresses भी हमें दिख रहे हैं PCs के that are bind to the IP address. तो चलिए pool में भी देखते हैं. हमारा pool name था pool 1. तो हमारे pool name में भी हमें जो IP address configuration आ रही concurrent index 10.0.0.1, IP address range 10.0.0.1 to 10.0.10.255.255.254, right? और जो हमारे leased है 3 और उसमें exclude है जो है 1, because that excluded that is already assigned to the router, इसलिए exclusion में हमें सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है. So guys, this was the video about how to configure DHCP on the router in Cisco Packet Tracer. आपको ये वीडियो कैसे लगा? Please comment section में ज़रूर बताएं and thank you for watching this video.